के दौरान आज आपको बताऊंगा 5.56 mm इंसास राइफल के बारे में परिचय। 5.56 mm इंसास आधुनिक युग का उत्तम शस्त्र है। यह अपेक्षाकृत हल्का, कॉम्पैक्ट तथा रिकॉइल एनर्जी कम होने के कारण इसका खोलना जोड़ना बहुत ही आसान है। इसका कैलिबर 5.56 mm है। इसमें दो प्रकार के ब्रस्ट, सिंगल शॉट ब्रस्ट और ट्रिपल राउंड ब्रस्ट, दो प्रकार के फायर करती है। अब उत्पत्ति के संबंध में मैं बताऊंगा। सन 1979 में सर्वप्रथम ARDE आर्मामेंट डेवलपमेंट रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट, जो एक पुणे में संस्था है, इसको तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गई जो पुणे में थी, और इसका मॉडल तैयार करने में उस समिति को 17 वर्ष का समय लगा। 17 वर्षों के उपरांत इसका मॉडल तैयार करने के बाद सर्वप्रथम 1997 में पहली बार RFI राइफल फैक्ट्री इच्छापुर, जो वेस्ट बंगाल में है, उन्होंने इसका उत्पादन शुरू किया, और पहली बार ये भारत में भारतीय सेना द्वारा 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान इसका सफल प्रशिक्षण भारतीय सेना द्वारा किया गया। इसकी विशेषताएं, यह शस्त्र हल्का है। हल्का होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने में काफी सुविधा होती है। शस्त्र छोटा होने की वजह से इसका छुपाव आसान है। इसका बैरल क्रोमियम प्लेटेड है। क्रोमियम प्लेटेड बैरल होने के कारण इसमें बाद फायरिंग गर्म पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह दो प्रकार के फायर करती है, सिंगल शॉट और ट्रिपल राउंड ब्रस्ट। इसका कारगर रेंज अधिक है। इसका इसमें पीछे एक डव टेल फार साइड लगी हुई है, मैं भी आपको बताऊंगा समय के दौरान। डव टेल फार साइड होने के कारण इसमें DLT तथा PNS लगाकर दिन और रात्रि का सफल पूर्वक फायर किया जा सकता है। DLT डे लाइट टेलीस्कोप, PNS पैसिव नाइट साइट, ये साइट लगती हैं इसके ऊपर, और इसके द्वारा हम रात और दिन का सफल हम अपना क्या इसके फायरिंग कर सकते हैं। इसके बाद इसकी मैगजीन पारदर्शी है, इससे हम आराम से देख सकते हैं कि इसमें कितने राउंड है, हम आराम से जानकारी ले सकते हैं इसकी। इसका बैनेट मल्टीपर्पज है, इससे ग्रेनेड भी फायर किया जा सकता है, और मैगजीन क्षमता इसकी 20 राउंड आते हैं, जो कि अच्छी क्षमता है इसकी। और ये फ्लैट ट्रेजेक्टरी का शस्त्र है। फ्लैट ट्रेजेक्टरी मतलब जमीन से जमीन, समतल भूमि में मार करने का अच्छा शस्त्र है ये। कमियां, हर शस्त्र में विशेषताओं के अलावा कुछ न कुछ कमियां होती हैं। पहली कमी इसमें होती है फ्लैट ट्रेजेक्टरी का शस्त्र होने के कारण इसमें किसी आड़ के पीछे या किसी ऊंची नीची जमीन के पीछे या किसी मकान के पीछे छुपे हुए अपराधी से हम क्या करते हैं, इसे फायर नहीं डाल सकते। और जैसा इसमें बताया, TRB सिस्टम है, ट्रिपल राउंड ब्रस्ट, तीन राउंड ब्रस्ट TRB के कारण थोड़ा इसमें रोके रुकावटें पड़ती हैं। ये था कमियां। इसके बाद अभी मैं इसको बताऊंगा खोलना और जोड़ना तरतीबवार। सर्वप्रथम किसी भी शस्त्र खोलने के पहले शस्त्र के बाईं तरफ पोजीशन अख्तियार करते हैं, और यह दो प्रकार से, इसका सेफ्टी प्रकाशन दो प्रकार से, खड़े खड़े और बैठकर, दोनों पोजीशन में, डेलिंग पोजीशन में और स्टैंडिंग पोजीशन में, दोनों इसके हम क्या करते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशन कर सकते हैं। सर्वप्रथम 5.56 mm इंसास यह जवान का जाति शस्त्र है, और इसकी हिफाजत, देखभाल तथा सफाई जवान की पर्सनल जिम्मेदारी है। प्रत्येक जवान को चाहिए जितना ही अच्छी ढंग से शस्त्र की साफ सफाई करेगा, दौरान फायरिंग या दौरान किसी भी समय आपको कभी धोखा नहीं देगी। इसलिए इसका खोलना जोड़ना जवान के लिए जानना नितांत आवश्यक है। अभी मैं इसको तरतीबवार बताऊंगा खोलना और जोड़ना। बाएं पैर को आगे लेते हैं और बाएं हाथ से रियर हैंड गार्ड को पकड़ते हैं, राइफल को सीधा करते हैं, और सर्वप्रथम बैनेट दस्ते को पकड़ते हुए बैनेट स्टड को दबाकर बैनेट को उतारकर दाहिनी तरफ रख देते हैं। इसके बाद
सर्वप्रथम किसी भी शस्त्र को खोलने जोड़ने से पहले शस्त्र का सेफ्टी प्रिकॉशन नितांत आवश्यक है। अपनी तथा साथियों के जान माल की सुरक्षा के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, जान सलामती के लिए सेफ्टी प्रिकॉशन किसी भी शस्त्र का नितांत आवश्यक है। सेफ्टी प्रिकॉशन नीलिंग पोजिशन से और स्टैंडिंग पोजिशन किसी भी पोजिशन से कर सकते हैं। मैं भी बताऊंगा नीलिंग पोजिशन से। सर्वप्रथम दाहिने हाथ से पिस्टल ग्रिप को पकड़ेंगे। इसके चेंज लीवर बाएं साइड में चेंज लीवर लगा है, किसी भी चाल वाले फंक्शन में करेंगे। और मैगजीन को बाएं हाथ से उतार के बाएं तरफ रख देते हैं और बाएं हाथ से कॉकिंग हैंडल को पीछे की तरफ ले आते हैं और यह चोटी लगाकर शस्त्र को बाएं तरफ टर्न करते हुए इजेक्शन स्लॉट के द्वारा देखते हैं कि चेंबर मेरा खाली है, चेंबर में कोई राउंड नहीं है, मेरी गन सेफ है। पुनः बाएं हाथ की मदद से कॉकिंग हैंडल पे काबू पाते हुए चाल वाले पुर्जे को आगे जाने देंगे, ट्रिगर को दबाएंगे और हमारी ये गन सेफ हो गई। यहाँ तक हमारी सेफ्टी प्रकाशन की कार्रवाई हो गई, मुझे इत्मीनान हो गया। हमने मुलाहिजा किया, इसका सेफ्टी प्रकाशन हो गया। अब खोलना तथा जोड़ना क्रमबद्ध तरीके से बताऊंगा। खोलने के लिए सर्वप्रथम बाएं पैर पे सर्वप्रथम इसको काक करते हैं। कोई भी शस्त्र खोलने से पहले कुछ शस्त्र ऐसे हैं इनको हम काक करते हैं। बाएं हाथ की मदद से काकिंग हैंडल को पीछे रखेंगे, चाल वाले पुर्जे को छोड़ देंगे और सेफ्टी कैच को यस पे करेंगे। इसके बाद राइफल को बाएं हाथ पे लेंगे और बाएं हाथ की मदद से रिटेनर कैच को अंदर की तरफ दबाएंगे और दाहिने हाथ के अंगूठे से रिटेनर को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए रिटेनर पे बाई अंगुली हटा लेंगे। पुनः दाहिने हाथ की मदद से बॉडी ओपनिंग कवर को उल्टा पीछे कर देंगे। दाहिने हाथ की मदद से रिटेनर को पुश करेंगे आगे की तरफ और रिकॉलिंग स्प्रिंग दाहिनी तरफ रखेंगे। पुनः दाहिने हाथ की मदद से ब्रिज ब्लॉक ग्रुप को पकड़कर सीधे पीछे की तरफ लाते हैं जब तक ये बॉडी में एक आवाज़ न हो जाए, टकरा न। इसके बाद उन्हें इसको पकड़ते हुए पिस्टन एक्सटेंशन को बाहर की तरफ निकालते हैं, बाईं हाथ पे इसको उल्टा रखते हैं और दाहिनी हाथ की मदद से रोटेटिंग बोल्ट को घड़ी के उल्टा रूप घुमाते हुए आगे की तरफ पुश करके रोटेटिंग बोल्ट को निकालते हैं और ये हमारा पिस्टन एक्सटेंशन पुनः बॉडी कवर को पीछे की तरफ लाते हुए राइफल को पुनः इस दिशा में। अब इसका अपर हैंड गार्ड खोलने के लिए दोनों उंगलियों की मदद से और अंगूठे को पुश करके, क्योंकि ये थोड़ा कमजोर भी होता है, टूटने की आशंका ज्यादा रहती है, सपोर्ट देकर अंगूठे से इसको खींचते हैं। अब गैस ट्यूब कैच को 12 बजे की लाइन में सीधा खड़ा करते हुए ग्रेनेड साइड को सीधे 90 डिग्री और गैस ट्यूब कैच को 90 डिग्री खड़ा करते हुए ये गैस ट्यूब को निकालते हैं। ये हमारी राइफल पूरी 5.56 mm इंसास यहाँ पे खोलने की कार्रवाई पूर्ण होती है। ध्यान दे जवानों, अभी मैं बताऊंगा राइफल का जोड़ना। यह राइफल सर्वप्रथम हमने बैनेट को उतारा एक, इसके बाद सीलिंग को उतारा दो, इसके बाद पिस्टन एक्सटेंशन रिकॉलिंग स्प्रिंग, कुल मिलाकर के 8 भागों में हमने राइफल को खोल दिया। और जोड़ने का सिद्धांत होता है जो शस्त्र का पुर्जा सबसे बाद में खुलता है वो सबसे पहले जोड़ा जाता है। सबसे लास्ट में हमने गैस ट्यूब को खोला था तो इसको सबसे पहले लगाते हैं हम। लगाने की प्रक्रिया सर्वप्रथम दाहिनी हाथ की मदद से गैस ट्यूब को इसको पकड़ेंगे और गैस सिलेंडर के पास लगाते हुए इसमें कटाव होता है, ये यू आकार का कटाव होता है। यू आकार के कटाव जो होता है इसको अपने सामने करेंगे, जो गैस एस्केप होल के लिए कटाव होता है, 4 कटाव होंगे इसमें, गैस ट्यूब में 4 कटाव होते हैं जो गैस एस्केप होल के पास इसको लगाते हैं। इसको गैस सिलेंडर की तरफ करते हुए जो यू का कटाव होता है ऊपर प्लेन वाले भाग को करते हैं और गोल भाग को नीचे करते हुए सेफ्टी कैच
गैस ट्यूब कैच को 90 डिग्री खड़ा करते हुए सीधे इसको प्रविष्ट करेंगे और गैस ट्यूब कैच को पुनः नीचे की तरफ बैठाएंगे। अपर हैंड गार्ड, ये इसमें ब्रैकेट बने हुए हैं दो, इनको क्या करेंगे सीधे यहाँ पे ला करके अंगूठे की मदद से दबा लेंगे और पूरा जितना कटाव होता हमारा ये गैस ट्यूब कैच के कटाव के बराबर रखते हुए धीरे से पुश करते हैं और हमारा फोर हैंड गार्ड जुड़ गया। पुनः राइफल को बाईं तरफ करते हुए ओपनिंग कवर को ऊपर करेंगे और पिस्टन एक्सटेंशन को बाएं हाथ में इस प्रकार से रखेंगे। पिस्टन हेड सामने होगा बैरल के रुख की तरफ और रोटेटिंग बोल्ट को दाहिनी तरफ लेके रोटेटिंग बोल्ट वे में प्रवेश करेंगे और इसको घड़ी के सुई के रुख घुमाते हुए आगे की तरफ पुश करेंगे और इसे दाहिने हाथ की मदद से उल्टा करके पिस्टन एक्सटेंशन वे में पिस्टन हेड को प्रवेश करते हुए पिछले भाग को पिस्टन एक्सटेंशन के पिछले भाग को बॉडी के बिल्कुल पिछले झिर्री में बैठाते हुए दबाकर आगे की तरफ पुश करते हैं। पुनः दाहिने हाथ की मदद से रिकॉइलिंग स्प्रिंग को लेते हैं। रिकॉइलिंग स्प्रिंग वे जो हमारा पिस्टन एक्सटेंशन के पिछले भाग में रिकॉइलिंग स्प्रिंग वे बना हुआ है, इसमें क्या करते हैं इसको गाइड को दाखिल करते हैं और इसके गाइड को गाइड वे में पुनः आगे की तरफ पुश करते हुए गाइड वे में प्रवेश करते हैं। पुनः दाहिने हाथ की मदद से बॉडी ओपनिंग कवर को नीचे की तरफ करते हैं और बाएं हाथ के तर्जनी अंगुली से इसको स्टड को दबाते हैं और हमारा स्टड पीछे आ जाता है। पुनः बाएं हाथ की मदद से कॉकिंग हैंडल को पकड़ते हुए चाल वाले पुर्जे को पुनः पीछे करते हैं। ट्रिगर को चाल वाले चेंज लीवर को किसी भी चाल वाले फंक्शन में करके ट्रिगर को दबाते हैं, बिल्कुल हमारी राइफल सही जुड़ गई। पुनः बैनेट को लेते हैं और बैनेट दस्ते को पकड़ते हुए बैनेट स्टर पर सही ढंग से लगाते हुए पुनः इसको पुश करते हैं, हमारा बैनेट जुड़ गया। अब बाईं हाथ की मदद से मैगजीन को लेते हैं, छोटा मेहराब आगे बड़ा मेहराब छोटे, चारों उंगलियां बाहर से अंगूठा अंदर की तरफ करते हुए मैगजीन को लगाते हैं। जवानों, ये हमारी गन जुड़ गई है। यही था इस गन का खोलना और जुड़ना।